मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विधानसभा विजयपुर के गांव धोबिनी में भूमाफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला किया। हमले में दो वन विभाग कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जिस जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था वहां एक ट्रैक्टर और उस जमीन को जोत रहा था। उसी समय हमला इतना बढ़ गया कि वहां भूमाफियाओं ने वन विभाग की टीम पर लाठी चार्ज कर दिया और अपने ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले भागे। भूमाफिया ने अपनी महिला वन विभाग की टीम के सामने कर दिया जिससे वहां जमीन को खाली न करा पाए। सबसे अहम बात तो यह है कि भूमाफियाओं ने शासकीय कार्य में बाधा डाली है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। धोबनी बीच में जो है जंगल की जमीन पे अतिक्रमण कर रहे थे, ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे और साथ में वहाँ पे एक वाहन टाटा सुमो भी खड़ा था। वो सहयोग में दोनों की जब्ती की गई। ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर हमला किया, ट्रैक्टर को छुड़ा ले गए और टाटा सुमो जो है गाड़ी जब्त की गई। प्रकरण जो है अज्ञात में कायम किया गया है। इसके हमारे दो वन कर्मी घायल हुए हैं।